अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लाउड मलाकन चैनल में सऊद रियाल के ताज़ा रेट्स के साथ हाज़िर हूँ। आज 6 अप्रैल 2020 और पीर का दिन है। जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं और अपने मुल्क को बज़रिया बैंक पैसे अरसाल करते हैं तो उनके लिए बहुत सुनहरा चांस है, क्योंकि आजकल बैंक्स का रेट ज़्यादा चल रहा है और ओपन मार्केट में रेट कम है। तो मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अल राजी बैंक के बारे में बताएंगे। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.79 रुपये का, इंडिया के लिए 20.07 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.52 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.21 रुपये का। अगर हम बात करें वेस्टर्न यूनियन के बारे में, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.80 रुपये का, इंडिया के लिए 19.89 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.34 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.20 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.57 रुपये का, इंडिया के लिए 19.93 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.24 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.01 रुपये का। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.78 रुपये का, इंडिया के लिए 20.06 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.52 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.21 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है मनीग्राम का। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.79 रुपये का, इंडिया के लिए 19.90 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.36 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.83 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में कि क्या रेट दे रहा है। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.78 रुपये का, इंडिया के लिए 19.90 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.58 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.85 रुपये का। अगर हम बात करें एनबी टेली मनी के बारे में, तो एनबी टेली मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.00 रुपये का, इंडिया के लिए 19.82 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.25 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.29 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एनसीबी क्विक पे के बारे में। तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.83 रुपये का, इंडिया के लिए 19.66 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.20 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.14 रुपये का। अगर हम बात करें सऊदी इरसाल के बारे में, तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 42.93 रुपये का, इंडिया के लिए 19.76 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.47 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.02 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है रियाद बैंक का। तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.38 रुपये का, इंडिया के लिए 19.36 रुपये, जबकि बांग्लादेश और नेपाल के लिए इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में कि क्या रेट दे रहा है। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43.80 रुपये का, इंडिया के लिए 19.89 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.36 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.20 रुपये का। तो दोस्तों, ये थे आज के हवाले से सऊद रियाल के बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो इकामा मकतब अमल के बारे में ताज़ा खबरें मिलती रहें, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर दबाएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे आने वाली वीडियो